तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने इन्फ्रा डेली दिया है। इस सीरीज के माध्यम से हम आप रेगुलर इन्फ्रा न्यूज देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में 6 नए एक्सप्रेसवे बनवाने जा रही है। प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे होंगे प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे, जिसकी लेंथ 110 किलोमीटर होगी। इसी कड़ी में दूसरा एक्सप्रेसवे होगा मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे, जिसकी लेंथ 110 किलोमीटर होगी। तीसरा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे होगा, जो शाहजहांपुर बरेली रामपुर रुद्रपुर होते हुए उत्तराखंड सीमा तक जाएगा। चौथा एक्सप्रेसवे चित्रकूट प्रयागराज एक्सप्रेसवे होगा। पांचवा एक्सप्रेसवे झांसी लिंक NH-27 होगा, जो झांसी को बुंदेलखंड से कनेक्ट करेगा। छठा एक्सप्रेसवे विंध्य एक्सप्रेसवे होगा। दूसरी खबर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रायल से लेकर निकल कर आ रही है। वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से निकलकर चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। RDSO इस ट्रेन का अलग अलग तरीके से ट्रायल करेगा। RDSO इस ट्रेन का सभी परिस्थितियों में ट्रायल करेगी। अगले साल तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस तैयार कर लेनी है, जिसके तहत हर महीने 10 वंदे भारत ट्रेनों को रोल आउट किया जाएगा। अगली खबर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने को लेकर सामने आ रही है, जिसके तहत दिल्ली हावड़ा और दिल्ली कोलकाता रूट पर ट्रेनों की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाने के लिए काम शुरू हो गया है। इन दोनों रूटों पर ट्रैक अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा रूट में आने वाले पुलों को भी मजबूत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 18,000 करोड़ रुपए की राशि को पहले ही मंजूर किया जा चुका है। ये दोनों रूट भारतीय रेलवे के सबसे बिजी रूटों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 अगस्त को सोनीपत के खरखोदा में मारुति सुजुकी के प्लांट के लिए फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। सोनीपत के खरखोदा में IMT क्षेत्र में मारुति सुजुकी ने कार बनाने के लिए 800 एकड़ जमीन खरीदी है और मोटरसाइकिल बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन खरीदी है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा इस प्लांट का शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ट्वीट करके बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस बताई गई है, जिसके गुजरात में लैंड एक्विजिशन 98.8% हो चुका है। वहीं दादरा एंड नगर हवेली में 100% लैंड एक्विजिशन कर ली जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में अभी भी काम बचा हुआ है। महाराष्ट्र में 75.25% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। वहीं अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो उसके तहत 162 किलोमीटर का पाइलिंग वर्क कंप्लीट कर लिया जा चुका है। वहीं 79.2 किलोमीटर का पियर वर्क कंप्लीट कर लिया जा चुका है और साबरमती पर पैसेंजर टर्मिनल भी अपनी कंप्लीशन की तरफ है। नितिन गडकरी जी ने देश में टोल टैक्स हटाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है, जिसके तहत सभी पुरानी गाड़ियों और मोटरसाइकिल में नई नंबर प्लेट लगाई जाएंगी, ताकि GPS और आधुनिक सिस्टम वाहनों को मॉनिटर किया जा सके। टोल टैक्स खत्म करने के लिए 2019 प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सरकारी एजेंसियां वाहनों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सके। भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी के नाम से भारत के सबसे लंबे फ्रेट ट्रेन का ट्रायल किया, जिसमें 6 लोगों और 295 वैगन थे, जो अपने साथ 27,000 टन कोयले को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनंदगांव तक लेकर गया। भारतीय रेलवे द्वारा रोहतक से दिल्ली तक 4 नई मेमू ट्रेनों को चलाया गया है। भारतीय रेलवे ने 3-फेज टेक्नोलॉजी से लैस 2 पेयर मेमू ट्रेन की शुरुआत की है। नई दिल्ली से लेकर रोहतक तक ये नॉर्दर्न रेलवे की पहली 16 कोच वाली मेमू ट्रेन है। उत्तर प्रदेश के सभी मेट्रो ट्रेनों के आसपास बसाने की योजना है। उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास में 2022 के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आपके आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।